हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका किस्मत कनेक्शन में। मैं हूं नंदिनी किंड्रा आपके साथ। जैसा कि आप जानते हैं, आपके अपने इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं आपके भविष्य की, और आपका भविष्य बताने के लिए हमारे साथ रोज की तरह आज फिर मौजूद है रंजना राणा जी, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका रंजना जी कार्यक्रम में। और जैसा कि हम कार्यक्रम की शुरुआत दिन के अच्छे विचार के साथ करते हैं जो रंजना जी हमें बताती हैं, तो रंजना जी क्या है आज का विचार? आज का विचार है कि अपने रिश्तों में हमेशा विश्वास बनाकर रखिए। गीता में कहा गया है कि जो सदैव संदेह करते हैं उनको प्रसन्नता ना इस लोक में है ना कहीं और। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति ना तो खुद खुश रहते हैं ना अपने आसपास के लोगों को रहने देते हैं। इसलिए हमेशा एक दूसरे पर विश्वास रखिए और अपने रिश्तों में मधुरता बनाए रखिए। जी बिल्कुल, तो रिश्तों में मधुरता बहुत जरूरी होती है और विश्वास भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर हमें अपने रिश्ते पर या विश्वास हो तो जाहिर तौर पर ना हम खुद खुश रह सकते हैं और ना हम अपने साथी को खुश रख सकते हैं। चलिए कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। दर्शकों को बताना चाहूंगी, जैसा कि आप जानते हैं आपके इस कार्यक्रम में आप भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ सकते हैं और अपनी कुंडली को लेकर या अपने भविष्य को लेकर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप जरूर कीजिए। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। इसी के साथ कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए रंजना राणा जी से जानते हैं कि आज कैसा रहने वाला है आज का दिन एक नंबर वालों के लिए। एक नंबर वालों के लिए हम देखते हैं इनका दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है, मगर कहीं ना कहीं इनके मन में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो दिखाई दे रहा है। इनका सेल्फ स्टीम है बहुत ही ज्यादा लो दिखाई दे रहा है। हम इनको थोड़ा सा आगाह करना चाहते हैं कि अपने मन को थोड़ा सा ठीक रखिए, पॉजिटिव रहिए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। और मन में जो भी सवाल है आपके उनको बहुत ज्यादा उनका महत्व ना रखें, और जितना भी हो सके आप जरूर ओम नमः शिवाय का जप करें ताकि इमोशनली जो आपके मन में चल रहा है वो थोड़ा सा शांत हो जाए और आज का दिन आपके लिए बेहद ही शुभ रहे। आपका रंग बहुत ही सुंदर है, वो है क्रीम कलर, और आपका जो अंक है वो है नंबर 2। आज अगर आप चावल का दान करेंगे उससे बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल, तो इसी के साथ ही आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दो नंबर वालों की। दो नंबर वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन? मीनवाइल आपको बता दें कि आप कॉल कर सकते हैं, सीधा जुड़ सकते हैं रंजना राणा जी के साथ, और अपनी कुंडली और भविष्य को लेकर कोई भी सवाल आपके जहन में हो तो जरूर आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, दो नंबर वालों की बात करेंगे। दो नंबर वालों के लिए कैसा होगा आज का दिन रंजना जी? दो नंबर वालों के लिए हम देखते हैं दिन बहुत ही ज्यादा खुशहाल रहेगा। इनको अपने घर परिवार से पूरा सपोर्ट मिलने वाला है और इनको सोशली भी अगर आप ये जाएंगे तो वहां पर भी इनको बहुत ज्यादा प्रशंसा मिलने वाली है। इसे इस दिन को बेहतर आप बनाए रखिएगा, और इसके लिए हम आपको एक छोटा सा उपाय बताते हैं कि जैसे ही आप घर से निकलें थोड़ा दही चीनी खा के निकलें, और आपके घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लेकर आप घर से निकलें, फिर आप देखिए आपका दिन बहुत बेहतर होगा। कोई भी काम जो आपको लग रहा है बहुत कठिन है उसको आप आज जरूर करिए क्योंकि वो काम आपका हो जाएगा। आपका जो रंग है वो है लाल, और आपका जो अंक है वो है नंबर 9, और आप अगर दो रोटी और गुड़ गाय को देंगे उससे भी आपका दिन बहुत बढ़िया होगा। जी, और हमारे साथ कॉलर जुड़ी है सुष्मिता जी फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका सुष्मिता जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी। क्या जानना चाहेंगे आप? मैम मैंने अपनी मम्मी के लिए पूछना है, मेरी मम्मी कितना सेहत तो ठीक नहीं रहती, और उन्हें ना फुले का ऑपरेशन करवाना है जी, तो वो अंदर से उनको डर सा रहता है ये सफल हो पाएगा नहीं। आपकी मम्मी का नाम और उनका डेट ऑफ बर्थ बताइए। मैम डेट ऑफ बर्थ तो नहीं पता लेकिन नाम तो नंदरानी है। नंदरानी, हाँ जी। उन्होंने ना फूले का ऑपरेशन करवाना है, तो क्या वो सफल हो पाएगा या नहीं?
एक मिनट देखते हैं। एक मिनट जी। उनका जो कूल्हे का ऑपरेशन है वो एकदम ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा एकदम ठीक होने में इन द सेंस कि ऑपरेशन ठीक होगा, मगर पूरा चलने फिरने में उनको हफ्ता 10 दिन जरूर लग सकते हैं ऑपरेशन के बाद। इससे उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर उनको ज्यादा मन में टेंशन या परेशानी लग रही है तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि उनको बोलो कि ओम नमो शिवाय का जाप करते रहें, और अगर हो सके तो मृत्युंजय जाप रोज 108 बार करना शुरू कर दें, और तब तक करें जब तक ये चलना ना शुरू कर दें। तो आप देखेंगे इनका कूल्हे का ऑपरेशन एकदम ठीक हो जाएगा। अपना मन पक्का बनाएं और आपको आगे बढ़ें। आपके कार्ड बहुत अच्छे आए हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली जी। चलिए, तो इसी आप पॉजिटिव सोच के साथ जरूर उम्मीद करेंगे कि आपको जरूर खुशी मिली होगी रंजना जी की बात सुनकर, और कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे 3 नंबर वालों की। 3 नंबर वालों के लिए कैसा है आज का दिन? 3 नंबर वालों के लिए हम देखते हैं इनका दिन भी बहुत अच्छा जाने वाला है, और इनको इनका हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये ट्रैवल करेंगे, कोई धार्मिक स्थल भी हो सकता है, और एंजॉयमेंट के लिए भी कहीं ये जा सकते हैं। वहां जाकर अगर ये कोई बिजनेस ट्रिप के लिए भी जा रहे हैं तो उसमें भी हम देखते हैं इनको बहुत ही ज्यादा सफलता मिलने वाली है। खाली इनको थोड़ा सा अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ज्यादा ट्रैवल से इनका हो सकता है, इनको कोई पेट संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है या पीठ में दर्द हो सकती है, उसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऑन द होल दिन बहुत अच्छा है, और आगे आने वाले दिन भी आपके बहुत ही बेहतर होने वाले हैं। आपका रंग है ऑरेंज और आपका जो अंक है वह है नंबर 1। सूर्य को जल अवश्य देते रहिएगा, उससे बहुत ज्यादा आपके लिए शुभ रहेगा। चलिए बात करेंगे 4 नंबर वालों की। 4 नंबर वालों के लिए रंजना जी कैसा होगा आज का दिन? 4 नंबर वालों के लिए हम देखते हैं इनका दिन भी बहुत बेहतर है, मगर कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेंशन, थोड़ा सा स्ट्रगल ज्यादा हो रहा है इनकी लाइफ में। कहीं ना कहीं इनके टारगेट्स मीट नहीं हो रहे हैं, जिस करके बहुत ज्यादा ये टेंस हैं, परेशान हैं, और उसके लिए हम इनको यही सजेशन देना चाहते हैं कि मेहनती आप हैं और मेहनत करते भी रहिए, और साथ साथ बाजरा और चीनी का दान करते रहिए, ताकि इसका अगर दान करने से जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही हैं वो एकदम आसान हो जाएंगी और आपके काम आराम से होते चले जाएंगे। इससे घबराइए नहीं, मेहनत करते रहिए, आपको जरूर सफलता मिलने वाली है। आपका रंग जो है वो है पर्पल कलर, और आपका जो अंक है वो है नंबर 8। चलिए आगे बढ़ते हुए 5 नंबर की बात करेंगे। 5 नंबर वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन रंजना जी? 5 नंबर वालों के लिए हम देखते हैं इनका दिन भी बेहतर है, मगर कहीं ना कहीं इनके जो काम के क्षेत्र में जो बड़े इनके बॉसेस हैं वहां पे इनका थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है। उसके लिए हम सजेशन यही देंगे कि रोज एक आदित्य हृदय स्त्रोतम का पाठ करें, और थोड़ी सी अपने मन में सहनशीलता लाएं, घबराएं नहीं, जो भी कोई बात आपको कहे उससे पॉजिटिव माइंड से सोचें, उसमें ही आपकी बेहतरी होने वाली है। जरूरी नहीं कि जब आपको कोई रोके या कुछ कहे तो उसमें वो गलत कह रहा है, उसमें क्या सही चीज है, क्या उससे अच्छाई आपकी लाइफ में होने वाली है, उसको एक्सेप्ट कीजिए और पॉजिटिवली आप नेगेटिव चीज को मोड़कर आगे बढ़ते जाइए, फिर आप देखिए कि कितना अच्छा आपके लिए हो जाएगा। इसलिए ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साथ में हम आपको यही बताएंगे कि हनुमान चालीसा का पाठ रोज करते रहिए, इससे आपके अंदर शक्ति बढ़ेगी और बहुत जल्द आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ और सक्सेस आ जाएगी। आपका रंग जो है वो है बेबी पिंक, और आपका जो अंक है वो है नंबर 6। चलिए आगे बढ़ेंगे बात 6 नंबर वालों की। 6 नंबर वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन? 6 नंबर वालों के लिए हम देखते हैं इनका भी दिन अच्छा है, स्पेशली लेडीज के लिए आज के ये 4-5 दिन जो हैं और आने वाले दिन भी जो हैं बहुत ही ज्यादा अच्छे साबित होंगे। स्पेशली जो भी काम कॉस्मेटिक क्षेत्र में कर रही हैं, ब्यूटी पार्लर्स में, बुटीक्स में, MNCs में भी जो एक अच्छे क्षेत्र में हैं या मीडिया के अंदर भी हैं, उनके लिए आज के आने वाले दिन बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। इसलिए उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि दुर्गा चालीसा का भी पाठ करना शुरू कर दें, और इसको करने से आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा आपको सक्सेस मिलेगी और बहुत अच्छा आपका जो है फाइनेंशियल फ्लो भी होगा। इससे अपने काम के क्षेत्र में महिलाएं बहुत आगे बढ़ेंगी, जो घर में है अपने दाम्पत्य जीवन में भी इनको बहुत ज्यादा प्रशंसा और सपोर्ट मिलने वाला है। तो ऑल इन ऑल ये डेज जो आ रहे हैं लेडीज के लिए बहुत ही बेहतर सिद्ध होंगे। इनका जो रंग है वो है टर्कोइश ब्लू, और इनका जो अंक है वो है नंबर 5। चलिए कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद किस्मत कनेक्शन में आपका स्वागत है और बात हो रही है कैसे रहने वाला है आपका दिन। और अब इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और जैसे कि इस कार्यक्रम में आप भी हमारे साथ जुड़ते हैं और लगातार नंबर आपके सामने फ्लैश होता है, तो आप अगर अपनी कुंडली को लेकर कुछ जानना चाहते हैं तो जरूर आप कॉल कर सकते हैं। कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे अगले नंबर की। रंजना जी, अगला नंबर मेरे हिसाब से 7 है और 7 नंबर वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, रंजना जी बताएं। 7 नंबर वालों के लिए हम देखते हैं कहीं ना कहीं इनको कोई लिटिगेशन का प्रॉब्लम आ रहा है जो कि बहुत बेवजह ही इनके ऊपर हो गया है, जिस करके ये बहुत ज्यादा परेशान भी हैं, टेंस भी हैं। मगर हम आपको यही बताना चाहते हैं कि ये जो भी केस है बहुत जल्दी सुलझ भी जाएगा और आपके फेवर में भी जाएगा। इसके साथ साथ हम आपको सजेशन ये भी देना चाहते हैं कि अगर आप आज से ही सुंदरकांड का पाठ रोज करना शुरू कर देंगे तो उससे बहुत ही ज्यादा आपको लाभ मिलने वाला है। हम आपको यही सजेशन देंगे कि घबराने की जरूरत नहीं है, लॉ इज ऑन योर साइड और आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना, आपका केस आपके फेवर में बहुत जल्द सुलझने ही वाला है। और साथ साथ आपका जो रंग है वो है ब्राउन एंड मस्टर्ड और आपका जो अंक है वो है नंबर 7। अगर हो सके तो आज जरूर आप किसी भी जरूरतमंद को गुड़ का दान कीजिए, उससे बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। चलिए बिल्कुल, अब बात 8 नंबर वालों की होगी। 8 नंबर वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, रंजना जी? 8 नंबर वालों के लिए हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा अपने काम में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं और उसमें हम यही बोलेंगे कि अब आज के दिन है, स्पेशली जो कल का दिन है, जितने भी आप मसरूफ हैं जरूर अपने धर्म पत्नी के लिए, अपनी फैमिली के लिए जरूर आप समय निकालिए क्योंकि वो बहुत जरूरी दिन है इनके लिए। बट आपका जो काम का क्षेत्र है उसमें हम आपको यही बताना चाहते हैं कि आप बढ़ते ही चले जाएंगे, भगवान का भी आपके ऊपर पूरा पूरा आशीर्वाद है। कोई रोड़े अटकाने की कोशिश करने से भी आप घबराइए मत, आप चलते रहिए क्योंकि आपके ऊपर भगवान की कृपा है। तो आज का दिन भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आज का जो रंग है आपके लिए वो है स्टील ग्रे और अंक जो है वो है नंबर 4। किसी भी जरूरतमंद को आज आप भर पेट खाना खिलाइए, उससे बहुत ही ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब आखिरी नंबर 9 नंबर की। 9 नंबर वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन? 9 नंबर वालों के लिए हम ये देख रहे हैं कि घर परिवार में सब ठीक है और आगे आने वाला दिन भी इनके बहुत अच्छे और आज का दिन भी बहुत अच्छा है। आपको यही सजेशन देना चाहते हैं कि पुरानी पुरानी बातें जो आप मन में लेकर घबराते रहते हैं या परेशान रहते हैं उनको आज आप बिल्कुल भूल जाइए क्योंकि उन बातों से कुछ हो नहीं सकता। उससे जो भी आपको एक्सपीरियंस मिला है, जो भी आपको सीख मिली है, उसको आप अपनाइए और बाकी जो फालतू की इसमें बात है उसको आप ड्रॉप कर दीजिए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। और साथ साथ बहुत जरूरी है थोड़ा मधु और थोड़ा दूध का दान आज आप मंदिर में अवश्य कीजिए, इससे बहुत ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। आपका जो रंग है वो है पीला रंग और आपका जो अंक है वो है नंबर 3। चलिए बिल्कुल, अब रंजना जी आप बेहद महत्वपूर्ण दिन है कल और करवा चौथ का दिन है और सारी महिलाओं के लिए दाम्पत्य जीवन के लिए एक बहुत बड़ा त्योहार ये होता है, तो ऐसे में कल को लेकर क्या जानकारी आप तमाम महिलाओं को देना चाहेंगी करवा चौथ को लेकर? करवा चौथ का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके पीछे का जो भाव है वो बेहद पवित्र होता है। तो करवा चौथ का दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जो कि दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ही अच्छा संकेत लेके आता है, बहुत ही अच्छा रहता है। उसमें हम आपको ये बताना चाहेंगे कि पूरे पॉजिटिविटी के साथ आप कल का दिन मनाइए। सर्गी के बाद जैसे कि सुबह के समय जो समय है जिससे पूजा या उपवास आपका शुरू होगा वो होगा 6:23 तक से शुरू होगा और 8:16 तक चंद्र उदय होने का पूरा पूरा चांस है। और इसके साथ जो शाम की पूजा है वो 5:50 से लेके 7:05 तक होगी शाम को। इस समय आप अपना जो करवा चौथ का पूजा होती है वो आप जरूर कर सकते हैं। एक चीज हम आपको और बताना चाहते हैं जिसके लिए आप तैयारी कर लीजिए कि उपवास के दौरान या उपवास के बाद आप जरूर कोई ना कोई चीज का दान अवश्य करें और सुबह जब आप सर्गी कर लेते हैं नहा धो के आप मंदिर अवश्य जाएं और गौरा माँ को आप अपना श्रृंगार पिटारी, साड़ी, कुछ ना कोई ऐसी चीज, फल मिठाई अर्पण कर जरूर आए। कई लोग पूजा के समय करते हैं, उस समय भी आप कर सकते हैं, मगर ये दान जो है आपको अवश्य करना है। और किसी गरीब को हम आपको बताना चाहते हैं कि कोई भी लोहे का सामान भी दान कीजिए ताकि शनि ग्रह जो है वो आपके दाम्पत्य जीवन पे उनकी दृष्टि या उनका प्रकोप ना पड़े।
जिनके भी हस्बैंड्स में थोड़ी कोई बिजनेस प्रॉब्लम आ रही हो या उनके किसी तरह का उनको बीमार है या रोगग्रस्त है, तो उनको भी हम यही सजेशन देते हैं कि किसी भी तरह का लोहे का सामान का दान आप अवश्य करें और पूरे श्रद्धा भाव से अपने इष्ट को याद करें और उनसे ये आशीर्वाद लें कि उनका दाम्पत्य जीवन हमेशा सुखी रहे। चलिए बिल्कुल, और इसी संदेश के साथ पूजा की पूरी विधि जानी, बहुत बहुत शुक्रिया रंजना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही।